सबसे पहले सही और सटीक खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें मिरर मीडिया ऐप। धनबाद जिले में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एसएससी ऑफिस, सिविल सर्जन ऑफिस, केंदुआड़ी थाना सहित कुल 95 लोग संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन में अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिले के कोने कोने तक पहुंचा कोरोना। वहीं धनबाद शहर में केवल 61 संक्रमित मरीज मिले हैं। बैंक मोड़ में सर्वाधिक 12 मरीज मिले हैं। केंदुआड़ी थाना का दरोगा, एसएसपी ऑफिस के गोपनीय शाखा के 2 कर्मी और सिविल सर्जन ऑफिस के 1 कर्मी भी संक्रमित मिले हैं। सिविल सर्जन कार्यालय में अभी तक कुल मरीजों की संख्या 4 हो गई है। देर रात तक सभी मरीजों को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया जारी रही। वहीं अगर हम बात करें तो मुनिडीह में भी कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को मुनिडीह में कुल 5 मरीज मिले हैं। इस इलाके में अब तक 60 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। मुनिडीह अब हाई रिस्क जोन बन गया है। यहाँ इंदू कंपनी के अफसर और कर्मचारी के अलावा बीसीसीएल के कर्मचारी एवं अधिकारी और उनके परिजन कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब तक इस इलाके में 60 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगातार मरीजों के बढ़ने के कारण शहर के कोविड अस्पताल में जगह भर रही है। पीएमसीएच के 100 बेड में 90 मरीज हैं। सदर अस्पताल और कोविड 19 में 70 के आसपास मरीज हैं। भूली अस्पताल और जोनल ट्रेनिंग स्कूल में 40 मरीज हैं। निरसा में 1 दर्जन मरीज हैं। लगातार बढ़ती स्थिति को देखकर शहर के बड़े होटल में भी आइसोलेशन की अब सुविधा दी गई है। विगत 10 दिनों में जिले में कोरोना के मामले में बेतहाशा वृद्धि हुई है। प्रत्येक दिन 60 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। अभी तक पूरे धनबाद जिले में 1310 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं विगत 10 दिनों में धनबाद जिले में कुल 654 कोरोना पाए गए हैं, जबकि 1031 लोगों ने कोरोना को मात देकर संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 24 लोगों की जान भी गई है। लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण से लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। हम आपको बता दें कि धनबाद के शहरी क्षेत्र में मरीजों की संख्या ज्यादा मिल रही है। ऐसे में सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी है। कृपया सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, मास्क पहनें, जब तक आवश्यक ना हो घरों में रहें, बाहर ना निकलें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा।